साथियों, अरुण जी की स्मृति में इस लेक्चर का जो विषय रखा गया है, ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, वो सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का मूल मंत्र है। मैं थर्मन जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और मैंने कई बार उनको सुना भी है, उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं। उनकी बातों में, उनके अध्ययन में, वो सिर्फ भारत में ही बोलते हैं तब नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं। लोकल टच उनकी हर एकेडमिक थिंकिंग में, उनकी फिलोसॉफी में बहुत सटीक तरीके से वो उसको नीट करते हैं। आज भी हम सब ने अनुभव किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वैश्विक परिस्थिति से लेकर के हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, उन्होंने समय निकाला। साथियों, जिस विषय पे यहां चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर के आज अरुण जेटली व्याख्यान माला का हमारा प्रारंभ हुआ है, अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम, मेरी सीधी सादी भाषा में मैं कहूंगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है? आप अपने आप को पूछिए, क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है क्या? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है, और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है, और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है, 9 करोड़। ये संख्या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा होती है। यानी आप स्केल देखिए, बीते 8 साल में भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर गरीबों को दिए हैं। थर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन होकर के उल्लेख किया। यह संख्या साउथ कोरिया की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। बीते 8 साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। यह संख्या भी जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, मेक्सिको, इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है। बीते 8 साल में भारत ने गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। और मुझे याद है, एक बार आप ही के मंत्रिपरिषद के साथ ही ईश्वरन से मेरी बात हो रही थी, सिंगापुर के मिनिस्टर, जब मैं उनको ये स्केल बताता था हाउसिंग का, तो ईश्वरन ने मुझे कहा, तो आपको तो हर महीने एक नया सिंगापुर बनाना पड़ेगा।
मैं आपको ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में कुछ साल पहले हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसका उल्लेख थर्मन जी ने किया और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की चर्चा भी की है। इस योजना की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत की वजह से देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया, गरीब से गरीब जो है आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले। और समय के साथ हमने देखा है वो पहलू तो इंक्लूजन का है, लेकिन समय ने ये बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया। जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ। जब भारत की 1/3 आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी उसे इलाज की सुविधा मिली, तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे, 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े देश में, जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209, और आने वाले अभी 10 साल का जब हिसाब लगाऊंगा तो ये मामला और आगे बढ़ने वाला है, वो 400 तक पहुंचने वाला है। बीते 7-8 साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब एनुअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी है, यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं, देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। इंक्लूसिवनेस के लिए लाई गई एक योजना का जमीन पर ग्रोथ की दृष्टि से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिल्कुल देख सकते हैं, हम उसको आंक सकते हैं। और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों योजना गिना सकता हूं। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने, जिसका उल्लेख भी थर्मन जी ने किया, लगभग 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांव में रहने वाले गरीब तक भी इंटरनेट की ताकत को पहुंचाया है। भारत के भीम यूपीआई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा है। भारत की स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है, जो हमारे यहां नगर पालिका में महानगर पालिका में है, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं जिनके साथ हमारा रोज का नाता होता है, बैंक मैनेजर होगा उसके घर में रोज रेहड़ी पटरी वाला माल देता होगा लेकिन उसको बैंक में जगह नहीं होगी, यह हाल था। आज हमने इसको जोड़ दिया है। उसी प्रकार से
भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया उस पर काफी कुछ इन दिनों जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो लिख भी रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उसका रेटिंग भी कर रहे हैं। भारत का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के 100 से ज्यादा जिलों में रहने वाले करोड़ों साथियों को अपलिफ्ट कर रहा है और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना ये है कि हिंदुस्तान के और जिलों की तुलना में जो पीछे रह गए हैं उनकी आकांक्षाओं को हम एड्रेस करें, उनको उस राज्य की टॉप पोजीशन की बराबरी तक ले आए और फिर धीरे धीरे उसको नेशनल टॉप की बराबरी तक ले आए। साथियों, इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है और एक प्रकार से इन 100 डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूजन हो रहा है डेवलपमेंट की दुनिया में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और शिक्षा पर भी थर्मन जी ने काफी बल दिया अपनी बातचीत में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाई पर जोर दे रही है। जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो एक्सक्लूडेड है, उसे अब मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत की उड़ान योजना, इसने देश के, हमने कई हवाई पट्टियों को जीवंत कर दिया, नए एयरपोर्ट बनाए, दूर दूर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी हम चले गए और उड़ान योजना लाए, एक फिक्स अमाउंट में हवाई जहाज में सफर की एक रचना की। भारत की उड़ान योजना ने देश के अलग अलग कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ा है, गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का हौसला दिया है और मैं कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में बैठेगा। यानी इंक्लूजन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, उसी का परिणाम है आज भारत के में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इतना हो रहा है 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बुक हुए हैं भारत के लिए। इस देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदा क्योंकि पैसेंजर वाला इंक्लूजन का जो हमारा अप्रोच रहा उसी का परिणाम है। अभी थर्मन जी ने जिसकी बात की, जो मैं गुजरात में जिसको मैंने बहुत मुखरता से काम किया था, जल जीवन मिशन, देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल, और उस सिर्फ वो पानी मिलता है नहीं, वो उसका समय बचाता है, कठिनाइयां बचाता है, हेल्दी कंडीशन के लिए वाटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उन सारे दृष्टि से ये मिशन बहुत बड़ा सामाजिक जीवन, और जिन्होंने बच्चों के न्यूट्रिशन का विषय किया उसका संबंध पानी से भी है। शुद्ध पानी, पीने का शुद्ध पानी, ये भी न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारा नल से जल अभियान उस इश्यू को भी एड्रेस करने वाला का एक बड़ा महाअभियान का हिस्सा है। सिर्फ 3 साल में ही इस मिशन ने 6 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में मोटे तौर पर लगाया हिसाब तो 25-27 करोड़ घर है, उसमें से 6 करोड़ घरों को पानी पहुंचा दिया है जी। ये इंक्लूसिवनेस आज देश के सामान्य मानवीय का जीवन आसान कर रही है, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्व है, ये आप अर्थ जगत के लोग जो यहां बैठे हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, आप भी जानते हैं और ये तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है, एसडीजी में भी उसकी डेवलपमेंट गोल के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा होती है। और वो कह रहा है दुनिया में दशकों से अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, और जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तब समाज के जो आखिरी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में
जिस तेजी से काम किया है वो अभूतपूर्व है, और मैं मानता हूं दुनिया के एकेडमिशियन, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस विषय को अध्ययन करेंगे और दुनिया के सामने इस विषय को प्रस्तुत करेंगे कि स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र में घरों और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी तक भारत के 1.5 लाख गांवों में ये काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं। ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होता है और पूरा गांव वहां मौजूद रहता है जब ये सारी प्रोसेस होती है तब। और 1.5 लाख से अधिक कामों में ड्रोन से ये सर्वे पूरा किया जा चुका है। और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप कल्पना करिए, ड्रोन के माध्यम से 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है, मतलब उन घरों से जुड़ी हुई जमीन वाला। और 80 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं, और ये भी जो मालिक है उसकी सहमति से होता है, उसके साथ विचार विमर्श होता है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ विचार विमर्श होता है, एक लंबी प्रक्रिया है। और इसका मतलब यह हुआ कि इससे गांव के लोगों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ है, उनकी जमीन अब कानूनी विवादों से भी बच रही है,